दाढ़ी वाली। एक गीत है उसने दो लाइन गाया है, उसके बाद हमने गाया है। वही परिवर्तन पाते, वही परिवर्तन पाते सच्चाई की धरती से 200 रुपया धन्यवाद। मुकेश यादव अखिलेश यादव जी के सम्मान में जवानों का दिया हुआ है, इसके बाद कुछ नहीं। बुलाया आदमी अखिलेश यादव जी ने, हमारे नेता ने कहा सोलन की सरकार नहीं है, युद्ध के मैदान में चलना है, हो सकता है हम संसाधन तुम लोगों को ना दे पाए, तुम्हारे प्रकोष्ठ को कैसे काम करोगे। पहली बार मैं नजर से नजर मिला के अपने नेता से बात किया और कहा साहब जब आपने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो वादा करता है धर्मेंद्र सोलंकी आपके सामने कि उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का कलाकार पार्टी कार्यालय लखनऊ से तब तक एक रुपया नहीं लेगा जब तक अखिलेश यादव की 2022 में सरकार नहीं बना देगा। और मैं जा रहा हूं और तभी आपसे कुछ मांगने आऊंगा जब सरकार बन जाएगी। हर
पांच दिन पे मुलाकात हो जाती है, हर चार दिन पे मुलाकात हो जाती है, हर दूसरे दिन हो जाती है। हर बार नेता पूछते हैं, बताओ खर्चा पानी कैसे चल रहा है। हमने कहा ठीक है साहब। कहे कहां से चल रहा है। हमने कहा साहब दिन में पार्टी का काम और रात में जनता का काम, उसमें भी पार्टी का काम। कहे तो हम कहे खर्चा पानी भर का उसी में आ जाता है, जनता दे देती है। कहे घबराना मत सोलन की। हमने कहा कोई डर नहीं, जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। और मैं तो सौभाग्यशाली हूं, भाजपा का कोई मंत्री किसी चौराहे पर अपना जिला छोड़ के खड़ा हो जाए कोई पूछने वाला नहीं है। ये धर्मेंद्र सोलंकी उत्तर प्रदेश के किसी भी चौराहे पर खड़ा होता है, 500 नौजवान घेर लेते हैं सेल्फी लेने के लिए और कहते हैं अखिलेश यादव का गायक है धर्मेंद्र सोलंकी। जब कहते हैं कि अखिलेश यादव का गायक है, कॉलर टाइट हो जाती है, सीना चौड़ा हो जाता है, इससे बड़ा और कोई सम्मान नहीं चाहिए इस धर्मेंद्र सोलंकी को। ये 100 रुपया नाम भुला गया फिर से पूछना, और 1000 रुपयों का पुरस्कार समाजवादी कुटिया, कितना प्यारा नाम है। लेकिन इस नाम में कुछ रहस्य छिपा हुआ है।